हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शाम के बज गए हैं 5 और मैं थोड़ा सा बाबू के जो कपड़े हैं उनको साइड कर रही हूँ। जो अब गर्मी आ गई है थोड़ी, तो अब मैं जो ठंडी के कपड़े हैं उसको साइड करके रख दूँगी और जो गर्मी के कपड़े हैं उसको यहाँ पे रखूँगी और जो जो उसके छोटे हो गए वो भी साइड कर दूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कौन कौन से छोटे हो गए हैं और कितने हैं गर्म कपड़े, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं इसको मैं हटाऊंगी, इसके अब इसके सर में भी नहीं घुसता है तो मैं इसको साइड कर दूंगी। और एक ये है, ये भी बहुत छोटा हो गया है, अब इसको घुसता भी नहीं है। इसकी है ये दो बनियान जो बहुत छोटी हो गई है, अब ये यूज़ में नहीं हो सकती, ये रही तो मैं इसको भी रख रही हूँ, इसके बाद में सोचूंगी मैं क्या करना है। इसके जो ठंडी के कपड़े थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया सारा, ठंडी के कपड़े और जो छोटे हो गए थे वो सारा इसमें भर दिया मैंने, और जो ये रोज़ पहनेगा वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट रखे हैं, यहाँ पे भी टी शर्ट है, यहाँ पे भी टी शर्ट है, और यहाँ पे फुल पैंट है, और यहाँ पे हाफ है। यहाँ पे मैंने जूते रखे हैं, अगर उसको कहीं हम लोग कभी बाहर गए तो उसको जूता पहना सकते हैं। और एक इनर रख दिया है मैंने गर्म, जिससे कि मौसम जब थोड़ा सा ख़राब वराब होगा तो हम उसको पहना दे, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ही रखा है, तो इसलिए मैंने उसको बाहर रख दिया। और इस वाले को मैं डाल दूँगी बेड के अंदर, नहीं तो बक्से के अंदर कहीं भी, इसको मैं डाल देती हूँ बक्से के अंदर बेड के अंदर। सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं और जो गर्मी के थे और जो छोटे हो गए थे वो सबको रख दिया मैंने बेड के अंदर, और जो पहनने वाले हैं रेगुलर यूज़ वाले उसको मैंने काउंटर में रख दिया है, तो वो पहनना होगा तो पहनेगा। और एक तरफ हाफ पैंट रखा है, एक तरफ फुल पैंट रखा है, तो मैंने बता ही दिया आपको। और मैं अभी शाम को बैठी हूँ छत पर, और यहाँ पर हम लोगों का अभी थर्सडे है ना आज, तो यहाँ पर मार्केट लगता है, तो आज भी मार्केट लगा है, पूरा इंडिया लॉकडाउन है फिर भी यहाँ पर मार्केट लगा और फिर भी यहाँ पर लोग हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और किसी ने तो मास्क भी नहीं लगाया है और ऐसे चिपके हुए हैं, कम से कम 50 लोग तो होंगे ही इस मार्केट में। चलिए आप अपने हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और किसी ने तो मास्क भी नहीं लगाया है और ऐसे चिपके हुए हैं, कम से कम 50 लोग तो होंगे ही इस मार्केट में। चलिए आप अपनी आँखों से देख लीजिए यहाँ का हाल क्या है, बहुत बुरा है। पूरा इंडिया लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग कितने लापरवाह इंसान हैं और ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ नहीं पहना है ना, हाथ में ना मुंह पे लगा रखा है और ऐसे ही घूम रहे हैं मार्केट में।
यहाँ पे सब्जियाँ ले रहे हैं और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे जो इस रोड पे जो चलता है ना उसको पुलिस वाले आते हैं मारने के लिए। यहाँ पे हमारी कॉलोनी के तो बहुत सारे जेंट्स पिटे भी हैं, एक का हमारे जान पहचान के हैं, तो उनको भी फिर भी उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती है और वो ऐसे ही घूम रहे। हमने जो पेड़ लगाया था वो उग गए हैं। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हमने लगाया था पालक और क्या भिंडी है और तोरी है और कद्दू भी है, वो सब पेड़ उग गए। यहाँ पे बारिश हुई थी ना तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इसमें, तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कद्दू के पेड़ उगे हैं और इसके साथ जो ये छोटे छोटे हैं ये है पालक, तो इसमें कद्दू का पेड़ उगा है और ये पेड़ थोड़ा सूख रहा है हमारा। और यहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हैं, ये है टंगड़ी। अरे एक इसमें हमने बोया था छठ पूजा के टाइम, ये छोटा है तो खाली हो गया था, तो 2 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार इसको रिटायर कर दिया और इसके अंदर हमने पेड़ लगाए हैं। पहले मैंने इसके अंदर बहुत सारा जो किचन वेस्ट है उसको इकट्ठा किया था, फिर इसके ऊपर से मिट्टी डाला है और फिर इसके ऊपर से खाद डाल के ये लगाया है, तो अच्छा ग्रोथ हुआ है। ये क्या पालक है, बारिश और होने से ना फिर अच्छी हो गई है ना, बारिश का इफेक्ट पड़ा है इस पर बहुत अच्छा। अभी और भी चन्ने चन्ने से निकल रहे हैं देखो ना। मम्मी ने अभी सेक के हाथ से बोया था। कहते हैं ना बच्चों के हाथ से ना पेड़ बोते हैं तो वो जल्दी उगता है, तो हमारे घर में रहते हैं करंट पे, तो उसका बेबी है छोटा सा, छोटा नहीं है ज़्यादा छोटा नहीं है, तो उसी से मम्मी ने बीज लगाया था। तो देखिए यहाँ पे पेड़ इतने अच्छे हुए हैं, बेबी तो बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे भिंडी का है और पालक है, बस यहाँ पे 2 पेड़ लगाया है, पालक और सरसों भी लगाया। तीन तरह के पौधे हैं इसमें और इसमें 2 तरह के। कौन से हैं जो पतले से? सारे पालक है। वो नहीं, वो वहाँ पे छोटे सारे पालक है। अभी बड़ा होगा ना तब पालक पत्ता बन जाएगा पालक, स्टार्टिंग में वो छोटा छोटा। मैं पनीर से बनाऊंगा, बाप रे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मैंने फूल दिखा था कुछ दिन पहले, यहाँ पे अब वो फूल का जो क्या बोलते हैं साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना मुझे। तो यहाँ पे अभी राउंड पे पुलिस वाले आए हुए थे लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, बोला सब्जी ले लो घर चले जाओ, बस इतना ही बोला। और डिस्टेंस तो मेक करके रखा है सबने और बस यही सब चल रहा है। अभी मैंने भी अपना काम कर लिया और अब मैं शाम का झाड़ू लगा लिया है और बस खाना वाना बनाना है, बस यही सब काम है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।